भारतीय सेना को दुनिया के सबसे मजबूत सेना बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार डील कर रही है। ताजा खबर के अनुसार भारत ने रूस के साथ 200 करोड़ रुपए की एक और डील की है। देश को युद्ध जैसी स्थिति में तैयार रखने के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए भारत ने रूस के साथ 200 करोड़ की एंटी टैंक मिसाइल डील साइन की है। इस एंटी टैंक मिसाइल को Mi-35 अटैक चॉपर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही वायुसेना के इमरजेंसी प्रावधानों के तहत इस डील पर साइन किए गए हैं। डील साइन होने के 3 महीने के अंदर ये मिसाइल तैनाती के लिए भारतीय सेना को मिल जाएगी, यानी डील साइन होने के 3 महीने में इसकी सप्लाई भारत को मिलने लगेगी। भारतीय वायुसेना के अनुसार भारत ने आपात स्थितियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए अपने Mi-35 अटैक चॉपर के लिए एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वायुसेना ने इससे पहले इन प्रावधानों के तहत स्पाइस 2000 और मिसाइलों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि सौदे पर इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। और अगले 3 महीनों में इनकी सप्लाई कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। ऐसी ही स्थितियों में तैयार रहने के लिए भारत ने रूस के साथ 200 करोड़ की एंटी टैंक मिसाइल डील साइन की है। दरअसल मोदी सरकार देश की तीनों सेनाओं को आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए तैयार कर रही है, इसलिए सेना ने जो भी मांग की है सरकार वो सब जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा जोर वायु सेना पर दिया जा रहा है, इसके बाद थल सेना का नंबर है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में तीनों सेना प्रमुखों को ये ताकत दी गई है कि वो 3 महीने में सप्लाई की शर्त पर 300 करोड़ तक की डील कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।